अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक हो। यहाँ पर सुबह सुबह संडे, लास्ट संडे का दिन है और मैं अपने हस्बैंड के कपड़े चूज़ कर रही हूँ और मैंने तकरीबन मिलते जुलती शर्ट से कलर जो है ना चूज़ की है आज। और तैयारी यहाँ पर हो रही है, स्नैक को मैं बैग में रख रही हूँ, तैयारी हो रही है पिकनिक पे जाने की। और ये लास्ट संडे का व्लॉग जो मैं इस संडे को शेयर कर रही हूँ, जितनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी इस व्लॉग को लेकर कि मैं जल्दी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दूँगी, उतना ये लेट हो गया। और इतना मज़ा आया था अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आएगा जितना हम लोगों ने इन्जॉय किया है। मैंने कोशिश किया कि अच्छे से आपके लिए कैप्चर करूँ। और एक्चुअली में क्या है जी, विक्टोरिया डे है और विक्टोरिया डे पर पब्लिक हॉलीडे होती है, सब लोगों को छुट्टी होती है, तो कुछ ना कुछ प्लान कर लेता है बंदा कि चलो यार यहाँ फिर आते हैं। और इस दफ़ा क्या हुआ था कि तीन छुट्टियाँ कटी आ गई थी, संडे और सैटरडे और मंडे, ये तीन दिन ऑफ थे, तो हम लोगों ने तीनों दिन बड़े अच्छे से इंजॉय किए थे। और लेट व्लॉग मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने लगता है काफ़ी जर्म्स की कैच की हैं, पब्लिक इतनी थी और फिर मेरा गला ख़राब, सोर थ्रोट, फीवर मुझे और कफ जो है ना शुरू हो गई थी। आज थोड़ा सा मेरा बेटर था और मुझे यही था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो ना अपना व्लॉग शेयर करूं। तो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो बस सब लोग रेडी हो गए थे, स्नैक हम लोगों ने कैरी कर लिए थे और इसके साथ हम लोग निकल पड़े हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से ना पूरी फैमिली जो है ना हम लोग जा रहे हैं। इस वक्त सब रुके हैं वॉशरूम के लिए और टिम हॉर्टन में हम लोग आ गए थे कि चलो जी यहाँ से वॉशरूम यूज़ करके देन फिर आगे निकलते हैं। नियाग्रा की यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? ब्रोक यूनिवर्सिटी। विक्टोरिया डे पर ना बहुत प्यारा फायरवर्क होता है वहाँ पर, बहुत सारी जगहों पर फायरवर्क करते हैं, लेकिन विक्टोरिया डे पर ना नियाग्रा फॉल में बहुत अच्छा होता है। नियाग्रा फॉल में क्या होता है कि अक्सर ही फायरवर्क जो है ना छोटा सा 2-3 मिनट का फायरवर्क करते हैं, लेकिन विक्टोरिया डे पर थोड़ा लंबा होता है। तो बस यहाँ पर हम लोग अपने घर से निकले हैं और हमारे घर से नियाग्रा फॉल का जो रास्ता था ना 1 आवर 45 मिनट का था हाईवे पर। और जैसे ही हम लोग निकले हैं फिर हमने बाकी हमने जो मेरे ब्रदर इन लॉज हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग निकल गए हैं अपने घर से, क्योंकि उनके उनका जो डिस्टेंस था ना नियाग्रा फॉल का कम था, तो वो मतलब मेरा हमारा ये था उनको इन्फॉर्म करने का कि हम लोग पहले निकल गए हैं, आप अगर थोड़ा सा लेट भी निकलोगे तो हम लोग फिर इकट्ठे ही पहुँच जाएंगे। तो सब माशाल्लाह अपने अपने घर से निकल गए थे और एक दूसरे के साथ फ़ोन पे कनेक्ट थे ताकि बता सके कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि समर का ये जो है ना फर्स्ट पिकनिक है जो हम लोग जो है ना सेलिब्रेट करने लगे हैं, मज़ेदार सा होगा इंशाल्लाह ताला। और समर इतना प्यारा शुरू हुआ है यहाँ पर, इतनी प्यारी धूप थी, आज का जो वेदर था ना बिल्कुल आइडियल वेदर था। और मैंने तो अपने लिए जो है ना कैप वगैरह कैरी की थी कि धूप इतनी तेज़ होती है तो उससे क्या होता है कि बहुत शार्प होती है धूप, जिससे आपका हेडेक भी स्टार्ट हो जाता है, इतनी शार्प होती है। लेकिन मैंने कैप वगैरह रख ली थी ताकि जो है ना कोई हेडेक वगैरह ना, और मैं अपना जो है ना सारा टाइम इंजॉय कर सकूँ। लेकिन वेदर इतना प्यारा रहा आज, धूप तो निकली है लेकिन इतनी लाइट सी धूप थी जिसमें हल्की सी गर्माइश थी और हवा भी साथ चल रही थी। बस यार हम लोग यहाँ पर अपना पूरा ट्रैवल करके पहुँच गए हैं और ये मेन नियाग्रा फॉल का जो मेन बाजार है ना वो है, और यहाँ पे आपको देख रहे हैं जगह जगह पे पी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये पार्किंग जगह की इन्होंने एंट्रेंस बनाई हुई है, बहुत सारी जगह पे पार्किंग जो है ना फुल थी। जहाँ हम लोग रोड पर थे ना पीछे हाईवे पर, तो हमें लगा कि हम लोग ये डिस्कस करें कि आज रोड जो है इतनी खाली क्यों है, रश ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग नियाग्रा फॉल में एंटर हुए हैं इतना रश था जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कि पार्किंग लगानी मुश्किल थी। खैर हम लोगों ने अपनी पार्किंग ढूंढी है और यहाँ पर पे करके अपनी पार्किंग लगा कर फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं। Thank you.
जूम इन करना, ये जो बोट वाला आ रहा है ना यहाँ से, ये तो नहीं होगा ही क्या ये सब चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। आज हम आए हैं जी आउटसाइड और नियाग्रा फॉल, मज़ा आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वेदर बहुत ही प्यारा है और मैं सोची हूँ कि आज का कंप्लीट जो है ना व्लॉग शेयर करूँगी। यहाँ का प्यारा सा वेदर और यहाँ की ब्यूटी अजूबा है, यहाँ का नियाग्रा फॉल। और यहाँ जितनी दफ़ा भी आप आ जाओ ना, बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती है। तो कोशिश करूँगी आपके साथ जो है ना यहाँ जो जो करेंगे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो चलो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी हम खड़े हैं यहाँ पर ज़िप लाइन जो है राइड के लिए, क्यू में खड़े हैं और मैं आपको रश दिखाती हूँ कितना है यहाँ पर। ये देखिए अपनी बारी का इंतज़ार हो रहा है और लंबी लाइन है। सब हम लोग फैमिली मेम्बर्स आए हैं। एक राइड लेने के बाद हम दूसरी लाइन में लग गए, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रश था। तो अब हम लेंगे ये बोट राइड और इसके लिए यहाँ से सबसे पहले टिकट लॉय करनी है और ये है जी टिकट। और इधर से हम लोग जाएंगे नियाग्रा की जो बोट में। नियाग्रा फॉल में जितनी भी राइड है ना सब ही बहुत इंटरेस्टिंग और मतलब लेके मज़ा आता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा राइड जो लोग लेना पसंद करते हैं क्योंकि ये फॉल का ही है, यहाँ पर फॉल स्पेशल है, तो लोग बोट राइड लेना जो सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे आगे व्लॉग में देखिएगा कि कितना मज़ा आया है, बिल्कुल ये पानी के बीच में से गुजर के जाता है। Thank you.
कनाडा की नियाग्रा फॉल है और अमेरिका की भी फॉल है, वहाँ पर भी जो ना बोट राइड देखने को नज़र आती है हमारे जब इतनी हाइट पे है कि यहाँ से अमेरिका की फॉल भी नज़र आती है और कनाडा की भी नज़र आती है। अच्छा, हमारे कनाडा का क्या है कि यहाँ की जो ड्रेसेस है ना, अब आप देख रहे हैं बोट पे सब ने रेड कलर की ड्रेस पहने हुए हैं, यहाँ पर रेड ड्रेस पहनाए जाते हैं। और अमेरिका की जो फॉल में बोट नज़र आएगी ना हमें, उसमें ब्लू कलर के नज़र आते हैं। अच्छा, फॉल का क्या है कि जी ये फॉल बोट जो है ना, ये इतनी बड़ी है कि ये ना माशाल्लाह इसने बहुत सारे बंदे कैरी किए हुए हैं। टिकट लेने के बाद बोट में आ जाते हैं और फिर ये हमें पूरी जो है ना राइड दिलाती है और ये फॉल के बीच में से गुजर के जाती है। बहुत अमेजिंग व्यू था, आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। बोट राइड लेने के बाद हम लोगों ने थोड़े से अपने कपड़े ड्राई किए, जो कि बाल गीले हो गए वो ड्राई किए। रेनकोट होने के बावजूद भी पानी का इतना प्रेशर होता है कि कपड़े आपके गीले हो ही जाते हैं, वो थोड़े से ड्राई किए वॉशरूम में जाकर सब ने। और उसके बाद बच्चे लेना चाहते थे, कुछ अपनी गेम्स खेलना चाहते थे, यहाँ पे वो आर्केड में आ गए हैं। भूख सबको बहुत ज़्यादा जो है ना जोड़ों पे लग गई थी, क्योंकि जब आप राइड लेने लग पड़ते हो ना, क्यू में लगना राइड लेना, तो फिर खाना पीना नहीं कर सकते क्योंकि लाइनें इतनी लंबी लंबी होती हैं कि अगर आप खाने की लाइनों में लग जाओगे तो फिर राइड्स नहीं ले सकते। तो खैर, हम किसी ने भी कुछ नहीं खाया था, बस सबने अपने अपने जूस था वही इंजॉय किया था। तो इसके बाद डिसाइड किया कि क्या खाया जाए, तो फाइनली डिसाइड हुआ कि पिज़्ज़ा खाया जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा कन्वीनियंट था। पिज़्ज़ा गरम गरम हम लोगों ने ऑर्डर किए और लेकर हम लोग पार्क में आ गए थे। अब गर्मी अब सही है, ठंडी लग रही है ना, फैमिली खड़ी है। फ्लावर के बीच में फ्लावर निकला, कितना अच्छा लगा वो। ये मुझे लगता है वो नीचे शिप लेके जाते हैं, वहाँ करते हैं मे बी, और क्या करते हैं।
बन्नी पे बेटा, पीछे बन्नी पे। फायरवर्क स्टार्ट होना था और बहुत एक्साइटेड थे सुबह से इस फायरवर्क के लिए, स्पेशल लोग इसके लिए आए थे। और जिस टाइम पर फायरवर्क स्टार्ट होना था 10 मिनट पहले, पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आ गई, समझ से बाहर थी कि फ्रंट सारी रोड जो है ना वो ब्लॉक हुई हुई थी। हम लोग बहुत पीछे खड़े हैं और जो ना पास से जो व्यू था ना वो डिफरेंट था, लेकिन खैर मैंने अभी तक कोशिश किया कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।